रक्षा करना गुंडापन है। तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुको जरा, आप माता मानते हो तो कूड़े पे ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो फिर? उसकी घर में पालो ना तुम, घर में ले जा नहीं सकते, बकवास करने लगते हो। गाय हमारी माता माता माता। गौ को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ को खाने वाला भाई भाई कब से हो गए? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। समझाओ। जो ऊपर वाले ने जिस जानवर को बनाया है, अगर उसको मैं अपनी माता मान लूं तो इसे मेरी अच्छी बात है? नहीं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अभी तो वीडियो शुरू है। सुनो भैया, वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। इसके साथ ही वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते, दिल पे कोई ना ले। जब अगर मांस ही खाना है तो एक और पशु है, उसका खा लीजिए। गाय का क्यों जरूरी है? गाय का ही क्यों जरूरी है? गाय पूजनीय है, आस्था का केंद्र है, जान दे देंगे मगर उसको नहीं देंगे। और अभी तो रुको, गौशालाओं में जाके देखो, अब भी सर्दी इतनी कीचड़ हो रही है, उसमें मर रही है गाय, वहां नहीं देखा जाता। और बीबी बिग पैक्स एक्सपोर्ट क्यों करवा रहे हैं भाई? ये बड़े बड़े फाइव स्टार और सेवन स्टार में जाओ, कौन कौन का भरोसा है? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम आवाज उठाते हैं तो दूसरा पक्ष आ जाता है। हमें दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, भैया सुनो, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जिस भाषा में, जिस भी भाषा में कोई समझे समझा देंगे भैया। अब हमने यही काम करना है, क्योंकि हमने बहुत प्रेम, भाईचारा, प्यार प्यार प्यार, अब वो प्यार वाला सीन हो गया खत्म। अच्छा। उनकी माता होगी, मेरी माता नहीं। मेरी माता तो मेरे को जिसने जन्म दिया हुआ है, मेरी माँ है। गाय जानवर कैसे माता हो जाएगी? बार बार मजाक कर तो यार, उनके लिए माता होगी जो मानते होंगे। मेरे लिए नहीं माता, मैं किस किस को माता बनाऊंगा? मौसी, माता, बुआ, किस किस को बनाऊ इन जानवरों में? है कौन से ये धर्म के कौन नौटंकी कर रखी है? उसकी जिंदगी की फिल्म बना देगा अगर हमारी देवी देवता और गौ माता पे बात आई। हम गौ माता के लिए आधी रात को भी खड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या बोला वीडियो में कि गाय हमारी माता है? तो हमने तो अच्छे मन से बोला, हम भी गाय को माता ही मानते हैं। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। ये फंस गया सी है। तो भैंस कौन है तेरी? मौसी। बकरी कौन है तेरी? बहन। आप नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता भाई जानवर। अरे आज जानवर तो जानवर है, बात तो सही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि गौ माता आज घूम रही है, इनसे ये पूछिए क्या 10 साल पहले गौ माता नहीं थी क्या? या गाय 10 साल पहले नहीं थी क्या? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हर विभाग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भ्रष्टाचार का आविष्कार किया है वो कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का आविष्कार किया है। अब मोदी सरकार आने के बाद हर विभाग पे थोड़ी शक्ति आ गई, तो हर विभाग बौखला गया है, बस इतना अंतर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये गौ माता जो है, जो माता माता चिल्ला रहे हैं, माता के नाम पर बुलंदी कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको जब माँ बना रखे हो ना, एक सेकंड। अब ये कह रहे हैं गाय नंगी घूम रही है, गाय नंगी नहीं घूमे, और कपड़े पहनाओगे? तुम्हारे घर में भैंस है क्या? भैंस को कपड़े पहनाते हो क्या? भैंस को आप कपड़े पहनाते हो? कुत्ता घूम रहा है उसे क्या आप कपड़े पहनाते हो? जो पशु का नाम होगा वही तो नाम लोगे आप। अच्छा, हमको सिखा दिया है। 10 साल पहले जो फैक्ट्रियां लागू हुई है वो कांग्रेस के राज में लागू हुई है ना, मोदी जी ने तो नहीं लागू की। फर्क इतना है कि मोदी जी ने उस पर कुछ नियम लागू कर दिए हैं। क्या कहने का मतलब, पहले कोई काम खुले में होता था, बिगैर लगाम के होता था, अब हर किसी के मुंह में लगाम लगा दिए कि तरीके और सिस्टम से काम करो। मैं कब हो गया ये? अगर गांव को माता मानते हैं, हम पूछते हैं। हाँ। हम दूसरे बिरादरी वालों का ये नहीं कह रहे तुम पूजो। हाँ, लेकिन गलत बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो शब्द उठा रहे हो, गौ अगर माता है तो सांड क्या है? गाय को माता मान लेंगे तो बाप कहाँ से लाएंगे? सांड को बाप बोलो। मुसलमान बहुत शांति से काम करता है, पढ़े लिखा मुसलमान है, कोई अनपढ़ गवान नहीं है। तो पढ़े लिखे तो भारत माता की जो बोलते हैं। भारत माता की क्यों जो बोल देंगे? उससे दिक्कत क्या? मैं दिक्कत पूछ रहा हूँ। दिक्कत कुछ नहीं है, बस हम नहीं बोलना चाहते भारत माता की जय। हाँ भैया, वो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, घमंड नहीं गया। खासकर यार ये अंधभक्तों को यार क्या यार, मुझे लग रहा है मतलब बुरी तरीके से हार चुके हैं, सरकार का पक्ष ले लेके इनको समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या कहें। अयोध्या जैसी राजनीति करने वाली जो सीट थी वो ये हार गई। सोचिएगा अयोध्या सीट जिसपे बीजेपी ने राजनीति की है, उसी सीट को
ये हार चुके हैं। अब ऐसे में अंधभक्त बेचारे बिलबला रहे हैं, आखिर क्या कहें, क्या ना करें, क्या परेशान है भैया। महंगाई के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं और बेरोजगारी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो बेचारे चुपचाप सरकार का समर्थन करते रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही यार अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।